मौजूद हैं जौनपुर सदर विधानसभा 366 में, क्योंकि कल हमने अभी इंटरव्यू लिया था जिसमें कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा था कि नदीम जावेद की तरफ रुझान है। तो ऐसे में आज जो कि दिलचस्प लड़ाई मानी जाएगी, कहीं ना कहीं त्रिकोणीय लड़ाई बताई जा रही है। तो ऐसे में हम जानेंगे, कुछ लोग यहाँ पर भी हैं, आगे भी हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या त्रिकोणीय लड़ाई है, क्या मैसेज जाने वाला है जनता में। सबसे पहले क्या यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं, क्या शुभ नाम है, क्या शुभ नाम है? रमेश बिंद। रमेश बिंद, जैसे कि बिंद समाज का अभी सम्मेलन बहुत बड़ा हुआ था और कहा जाता है बिंद में अच्छी खासी जो पकड़ है वो बीजेपी की तरफ होती है, तो ऐसे में बिंद समाज किधर जाने वाला है? देखिए, इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी ही पूरे उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पे ही आमने सामने हैं, जिसमें जो माहौल आ रहा है पूरे उत्तर प्रदेश से, इसमें महंगाई, भ्रष्टाचार, नौजवान, गरीब, आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ, नौकरी चाहिए, महंगाई से हमको राहत चाहिए, इसलिए सब लोग, पूरी जनता जो है उत्तर प्रदेश की एक ही निगाह से देख रही है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को हम बिंद समाज भी, अखिलेश का समाज, बिंद समाज जो पढ़ा लिखा सब शिक्षित परिवार हैं, सब लोग अपना जो है बिंद समाज उस साइकिल पोड़ देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे साइकिल का पहला क्या शुभ नाम है? रवि यादव। तो क्या रुझान रहने वाला है? साइकिल पे वोट दे रहे हैं हम लोग, साइकिल पर वोट दे रहे हैं। कहीं कहेंगे यादव हैं तो साइकिल पे जा रहे हैं, विकास देखकर? विकास नहीं हुआ है इसीलिए हम लोग साइकिल पे वोट दे रहे हैं, भाजपा को वोट नहीं दे रहे हैं। क्या शुभ नाम है? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र, एससी समाज से आते हैं? जी एससी से। तो ऐसे में कहा जाता है पिछड़ों की लड़ाई, बीजेपी कहती है फ्री में महीने में 2 बार राशन हुए, तमाम सुविधाएं गिनाती है, तो ऐसे में कहती है कि वो सब हमारे साथ हैं, तो आप किसके साथ जाएंगे? जी हम तो साइकिल पर जाएंगे। साइकिल पर जाएंगे जी, सब रुझान पूरा साइकिल की तरफ दिखाई दे रहा है। जी इसलिए कि हमें जो है एक तो नौकरियां नहीं हैं और जो राशन दे रहे हैं फ्री में, राशन को बल्कि कम करके जॉब दे, ताकि जो है बेरोजगार लोग जो घूम रहे हैं उनको जो है इसकी सरकार बनाना चाहते हैं। साइकिल 366 में भी? जी अखिलेश यादव की। कुछ लोग कह रहे हैं 366 में नदीम जावेद की लड़ाई है। नहीं जी, अखिलेश यादव ऐसी कोई बात नहीं है, नदीम साइकिल की लड़ाई है यहाँ भी, साइकिल और सीधे भारतीय जनता पार्टी से यहाँ चुनाव। मेरा इंटरव्यू देखकर कुछ लोग यहाँ पे बटूर भी गए हैं आकर अपना काम धाम छोड़कर, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या शुभ नाम है? दिनेश कुमार मौर्य। या नहीं, दिनेश कुमार मौर्य। दिनेश कुमार मौर्य जी। तो मौर्य समाज एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य है, दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य है, तो ऐसे में 366 जौनपुर विधानसभा के मौर्य क्या चाहते हैं? साइकिल पर वोट देंगे। साइकिल, मौर्य भी साइकिल? जी हर समाज पूरा साइकिल का रुझान है जी। तो क्या उम्मीद लगाए हैं अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने पर? अखिलेश यादव से मुख्यमंत्री पर विकास की उम्मीद है, विकास होगा। क्या शुभ नाम है? हाँ, क्या शुभ नाम है? छोड़िए, साइकिल पर। क्या नाम है? राजकुमार बिंद। क्या रुझान रहेगा? हाँ, क्या रुझान रहेगा? रुझान साइकिल पर रहेगा। साइकिल अखिलेश को? अखिलेश के, यानी बिंद समाज भी समाजवादी की तरफ है। हाँ, एक तरफा समाजवादी का रुझान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या शुभ नाम है? गोरे यादव नाम हमारा है। गोरे यादव, तो क्या रुझान रहेगा? समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रहे, बहुत अच्छे से जीत रहे, अच्छे वोट जीत रहे हैं, मैं लड़ाई की बात। क्या शुभ नाम है? सूरी भान यादव। यादव तो सब समाजवादी गा रहे हैं। ऐसा कुछ कोई ऐसी कोई बात नहीं, समाजवादी गा रहे हैं, हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे वोट दे रहे हैं, विकास के नाम पे वोट दे रहे हैं। ये तो एक कहावत है कि बस साइकिल पे यादव हैं तो साइकिल पे ही जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हमको शिक्षा, समाज और स्वास्थ्य पे, जहाँ भी तरक्की, विकास के नाम पे हम लोग वोट देंगे इस बार। तो इस समय हम जौनपुर सदर विधानसभा 366 में मौजूद थे और यहाँ पर भी एक लोग हैं, क्या शुभ नाम है? मोहम्मद दानिश। दानिश साहब, आप मुस्लिम समाज से आते हैं, मुसलमानों में भी इस बार कन्फ्यूज़न है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ बताया जाता है कि लड़ाई उनसे है बीजेपी की, कहीं समाजवादी अपनी दिखाना चाहती है, ऐसे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, मुसलमानों में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है,
समझ रहे हैं, मुसलमानों का एक तरफा वोट जा रहा है साइकिल पे, साइकिल पर टोटल जा रहा है साइकिल पे। ये तो जो विरोधी हैं, जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, वो फैला रहे हैं कि यादव जा रहा है भाजपा पे, मुसलमान जा रहा है कांग्रेस पे, बसपा पे, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान जितने हैं टोटल जा रहे हैं सपा पे, टोटल सपा पे, सपा जा रहे हैं। तो जो कि पूरी तरह से यहाँ पर समाजवादी की जो है कि रुझान दिखाई दिया, एक तरफा लोग साइकिल को, एक तरफा समाजवादी, कहीं ना कहीं लड़ाई बीजेपी और समाजवादी की भी दिखाई दे रही। जौनपुर सदर 366 में भी समाजवादी और बीजेपी की लड़ाई आ चुकी है, कल वोटिंग है और पूरी तरह से लड़ाई समाजवादी बीजेपी के बीच आ चुकी है।